लाठी चार्ज किया गया है। उसके विरोध में हम लोग कल शाम तक सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी। प्रदर्शन सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज एवं हमारे जेबीकेएसएस टीम के सदस्यों जिनमें देवेंद्रनाथ महतो एवं अन्य के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ ये मशाल जुलूस की तैयारी। अपना साथी लोग अपने ऊपर लाठी खाया, नहीं तो आज हम तो मर जाते हो। लाज शर्म लगना चाहिए सर। दुर्भाग्य के साथ और खेद के साथ, अफसोस के साथ यह बताना पड़ रहा है कि विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे मोराबादी के मैदान में सहायक पुलिसकर्मी अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। विगत कई दिनों से लगातार उनका धरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था। वे अपने नियोजन, अपनी नौकरी को अस्थायी करने व अपने वेतन में वृद्धि तथा अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। उसी क्रम में आज उनके द्वारा मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें टीम जेबीकेएसएस ने समर्थन किया था। बकायदा टीम जेबीकेएसएस रांची इकाई उपस्थिति देने के लिए वहां पहुंची भी थी, जिनमें मुख्य रूप से हमारे बड़े भाई देवेंद्रनाथ महतो तथा उनके साथीगण, सहायक पुलिसकर्मी उनके इस संघर्ष को, आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ, खेद के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बर्बरतापूर्वक सहायक पुलिसकर्मी तथा टीम जेबीकेएसएस देवेंद्रनाथ महतो एवं अन्य साथियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जबकि सहायक पुलिसकर्मी मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से लगातार इस बात को कह रहे थे कि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। अगर कोई वार्ता के लिए आता है तो हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन निसंदेह जब कहते हैं कि जब धैर्य की सीमा, संयम की सीमा जब उससे लोग पार कर जाते हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में, विगत कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, गर्मी की तपिश है और इस दरमियान वे लगातार मोराबादी के मैदान पर डटे हैं, तो उनका दुख, उनकी पीड़ा को आप भली भांति समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आज पदमार्च करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए, मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने का कार्यक्रम था और इसको बकायदा हमारे संगठन ने, हमने, हम सभी ने समर्थन देने का कार्य किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से सहायक पुलिसकर्मी तथा जेबीकेएसएस टीम उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करने का कार्य किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करते हैं। और बिल्कुल सरकार में बैठे लोग, हुक्मरान अगर इस प्रकार की कृत्य करेंगे तो ये बड़ा ही अफसोसजनक है। तो साथ ही साथ विशेषकर रांची ये जो टीम है उनसे आह्वान करेंगे कि जितने भी हमारे साथी चोटिल हैं, प्रमुख रूप से देवेंद्रनाथ महतो जी तथा हमारे अन्य जो भी साथी हैं, कृपया उनके उपचार में देखरेख करेंगे, निगरानी करेंगे और सशरीर उपस्थित होंगे जहां उनका उपचार हो रहा है। क्योंकि हम लोग काफी क्षेत्र से बाहर हैं और स्वयं काफी अस्वस्थ के दौर से भी गुजर रहे हैं, लेकिन पुनः रांची की टीम से आग्रह करेंगे और साथ ही हम लोग जल्द ही जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया है उसके विरोध में हम लोग कल शाम तक सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी में है और उन्हें सांकेतिक रूप से नहीं बल्कि सड़क पे आकर इस बात की चेतावनी देंगे कि अब लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही जितने भी हमारे जेबीकेएसएस टीम हैं, उनके जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह होगी कि कल शाम को अपने अपने प्रखंड स्तर पर
मशाल जुलूस विरोध प्रदर्शन की तैयारी करेंगे और कल इस विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस को अंजाम देने का कार्य करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज एवं हमारे जेपीकेएसएस टीम के सदस्यों जिनमें देवेंद्रनाथ महतो एवं अन्य के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ ये मशाल जुलूस की तैयारी की जाएगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सभी अपने अपने प्रखंड स्तर में जो भी हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण हैं, इस बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए कल के शाम के लिए तैयारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल खेद का विषय है, दुखद विषय है, पीड़ादायक विषय है। इस प्रकार की घटनाएं झकझोरती है और हम लोग इस विकट परिस्थिति में जितने भी हमारे घायल साथी हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ डटे हैं और उनके इस दर्द में हम लोग दर्द बांटने के लिए तत्पर हैं। उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चोट जो है यहाँ जूता से लगा है और दूसरा साइड भी इधर है, सुजन आप देख सकते हैं। दूसरा ये फेस पे देखिए, बायां साइड जो है जूता का है, जूता का मार है और उसके बाद ये देखिए बायां हाथ पे यहाँ लाठी का मार है और सबसे गहरा ये चोट देख रही है, दो चमड़ी जो है दो भाग में बट गया है। उसके बाद जो है सो ये देखिए कोहनी के पास सिंगल हड्डी है, यहाँ पर जो एक्सरे आया है उसमें भी गहरी चोट दिखा रहा है डॉक्टर, थोड़ा सा एक्सरे भी हुआ इनका। हाँ, कहीं टूटा फूटा नहीं ना हाथ हाथ नहीं, बहुत लक्की बचा है। अच्छा, बच गए। बहुत लक्की बचा है और लोगों बचाए हैं, जो 20 तो महिला जो ऊपर से घेरे इनको लाठी खाए इनका। हाँ, लाठी वो अपने दिख रहा है, विजुअल में तो वो इसके कारण इनका जान आज बचा है और ऐसे और नीचे भी चोट है कमर में। बताइए राज्य की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं देवेंद्र जी, थोड़ा सा माइक पीछे कीजिएगा प्लीज। हम बिल्कुल देना चाहेंगे कि आखिर राज्य का स्थिति क्या हुआ है कि एक तरफ लूट डकैत बड़े बड़े अपराध का काम, बलात्कार भ्रष्टाचार किसी को जान से मारने तक का, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी तरफ संवैधानिक तरीके से अपना जिंदा रहने के लिए रोटी का मांग को लेकर के निकलते हैं तो बहरामी से मार होता है। ये मार कोई मार था, ये मर्डर था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। इसको मार नहीं कहते हैं, इसको मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं और ये टारगेटेड था। तो इसको यही कहेंगे कि राज्य बहुत गंभीर और दुखद स्थिति से गुजर रहा है। सभी कोई को जागरूक होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है और ये सरकार जो लाठी डंडा के दम पर चलाना चाहती है, ये तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन लोग के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करके इन लोग के हाथों से पुलिसिया लाठी, पुलिसिया वाटर कैनन का ताकत, आंसू गोला का ताकत को छीनना है।